मैं तो सुइसाइड कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी चांस नहीं ले बचा है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का। मैं तो ऐसे कर लूँगा ऐसे कर लूँगा। दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे कमेंट आता है मेरे चैनल पर, तो मैं क्या करूँ इन कैंडिडेट को, मैं कैसे रिप्लाई दूँ? आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो, आप काफ़ी समझदार हो, तो आप ऐसे क्यों गलत स्टेप लेने के लिए तैयार हो? मैं दोस्तों इंडियन नेवी पे जो भी करा है वो तो अच्छा नहीं करा है दोस्तों। इंडियन नेवी ने तो वो भी गलत किया। काफ़ी सारा युवा का दोस्तों सपना था बचपन से कि मैं एक इंडियन नेवी में एज एन फ्लाइट सॉलर ज्वाइन करूंगा। दोस्तों इंडियन नेवी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन आप ऐसे करोगे, ऐसा कमेंट क्यों करते हो? काफ़ी सारा नेगेटिविटी फैलाते हो, क्यों ऐसा करते हो? हाँ मैं खुद दोस्तों कोशिश करूंगा, आप सभी कर लो, मैं जितने भी यूट्यूबर है सारे उनके साथ बातचीत करूंगा, और मैं ही दोस्तों खुद दोस्तों ट्विटर पर कैंपेन चलाऊंगा आप सभी के लिए। जी हाँ, मैं इंडियन नेवी को ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे युवा का अपना सपना टूट गया है, वो काफ़ी सारे वो डिमोटिवेट हो रहे हैं ऐसे गलत स्टेप लेने के लिए कोशिश कर रहे, तो आप इंडियन नेवी प्लीज़ कुछ है, क्योंकि आपका जो डिसीजन है कि आप ऑफलाइन एग्जाम करना चाहते हो उसे ऑनलाइन में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। जो भी आपका एग्जाम क्रैक करेगा वही इंडियन नेवी में ज्वाइन करेगा। क्यों परसेंटेज बेस पर क्यों फिर से वो पुराना वाला चीज़ें दोहरा रहे हो? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंडियन नेवी को कि ऐसा मत कीजिए। दोस्तों मैं काफ़ी सारे कैंडिडेट को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं खुद आप सभी को लिए ट्विटर पर कैंपेन चलाऊंगा, और आर एस सर, राम सर एंड मयंक सर काफ़ी सारे लोग आपके लिए है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए ना। ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं सुइसाइड कर लूँगा क्योंकि मेरे पास कोई भी चांस नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं? नहीं, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हम इंडियन नेवी को रिक्वेस्ट करेंगे, और हमारे विश्वास है, उम्मीद है इंडियन नेवी के ऊपर कि इंडियन नेवी कुछ ना कुछ स्टेप अच्छी स्टेप लेगा। आप सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ है, और हम कैंपेन चलाएंगे ट्विटर पर जाके। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, वीडियो को फैला दीजिए।